Hello friends. स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर आज की वीडियो नीट यू स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो भी स्टूडेंट्स नीट यू काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं तो गैस मैं आपको बता दूं नीट यू की जो काउंसलिंग है अब आपकी लेट होने वाली है तो लेट में आपका कितना डिले हो सकता है एन ने इससे रिलेटेड नोटिस जारी किया है तो आज मैं इस वीडियो में आपको काउंसलिंग अपडेट देने वाली हूँ कि काउंसलिंग आपकी कब स्टार्ट होगी कितना डिले है क्यों डिले है ठीक है उसके पीछे रीज़न क्या है इतना लेट क्यों जबकि रिजल्ट बहुत पहले आ चुका है ठीक है तो गैस ये पूरी इंफॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूं तो आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इंफॉर्मेशन चाहे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से रिलेटेड हो चाहे स्टेट कोटा काउंसलिंग ऑफिशियल नोटिस हर टाइप की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी अब देखिए गायस हम बात कर रहे हैं नीट यूजी काउंसलिंग की जो कि अब तक आपके स्टार्ट हो जानी चाहिए थी क्योंकि अब आपका अक्टूबर मंथ आने वाला है और अब तक काउंसलिंग शेड्यूल जो है जारी नहीं हुआ है ठीक है आज की डेट दी गई थी काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने की लेकिन गायज अब बोला जा रहा है कि काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो लेट होने वाला है क्यों लेट हो रहा है क्यों काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो रही तो उसका रीज़न देख लेते हैं एक बार तो गए सबसे पहले क्या लेट होगी काउंसलिंग और जो लेट हो रही है वो किस लिए लेट हो रही है ये आज मैं पूरा बताने वाली हूँ एनएमसी ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है उसके अंदर क्या बोला गया है तो सबसे पहले एमसीसी ने रिज़ल्ट जारी होने के बाद ही नोटिस जारी किया था कि काउंसलिंग का प्रोसेस सितंबर अंत या अक्टूबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है इस बीच नेशनल मेडिकल कमीशन एन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस रिलीज किया है एन ने नेशनल मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेशंस 1999 में, में संशोधन करने का निर्णय लिया है इसके लिए पब्लिक कमेंट्स भी आमंत्रित किए गए हैं जिसके लिए तीस दिन का समय दिया गया है ठीक है तो जो भी रूल एंड रेगुलेशंस थे उनको अब जो है अमेंड किया जा रहा है अमेंडमेंट का ऑफिशियल नोटिस जो है जारी हुआ है तो जिससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ एक और आपकी बना दूंगी ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए एन एम ऑफिशियल नोटिस में है क्या किसी भी प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को एन द्वारा मान्य प्रा मान्यता प्राप्त होना जरूरी है ठीक है क्योंकि पीछे एक कॉलेज था जो मान्यता प्राप्त नहीं था तो वो लिस्ट से हटा दिया गया है इसलिए मान्यता प्राप्त होना एन के थ्रू जरूरी है ऐसे में यदि कॉलेजों की मान्यता के नियमों में कोई बदलाव होता है तो संभव है कि स्टेट कोटा की सीटों के लिए काउंसलिंग शुरू होने में समय लगे स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए स्टेट वाइज यूनिवर्सिटी की लिस्ट नीचे चेक कर सकते हैं तो नीचे स्टेट कोटा काउंसलिंग से रिलेटेड वैसे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि किस स्टेट की कौन सी वेबसाइट है क्योंकि जो स्टेट कोटा काउंसलिंग होगी वो अलग अलग स्टेट की अलग अलग वेबसाइट पर होने वाली है ठीक है एमसीसी जो कंडक्ट करवाएगा वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कंडक्ट करवाएगा जिसमें पंद्रह परसेंट का रिजर्वेशन होता है ऑल इंडिया के स्टूडेंट उसमें अप्लाई कर सकते हैं लेकिन इसकी कट ऑफ हाई जाती है बेस्ट कॉलेजेस जो होते हैं वो एमसीसी के थ्रू आपकी जो काउंसलिंग होती है वो कंडक्ट होती है जैसे एम्स के हंड्रेड परसेंट सीटों पर जिपमर हो गया आपका बीएचयू हो गया ए एम यू हो गया तो ये जो कॉलेजेस हैं इनके हंड्रेड परसेंट सीटों पर जो काउंसलिंग करवाता है वो एम सी सी ही करवाता है स्टेट कोटा का कोई भी अधिकार नहीं है या स्टेट कोटा उसके ऊपर काउंसलिंग कंडक्ट नहीं करवाते ठीक है गैस तो काउंसलिंग जो है आपका शुरू होने में अभी टाइम लगेगा तो वेट कीजिएगा अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा काउंसलिंग का वो स्टार्ट होगा उससे पहले गाइज बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है स्टार्ट होने की तो जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अब तक की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन यही थी तो गाइज़ जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ तब तक के लिए थैंक यू